नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित नगला माकरोल पर देर रात लगभग 9:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की एक्टिवा को लूट लिया, जिसमें करीब 60,000 रुपये की नकदी भी रखी थी। साथ ही व्यापारी के साथ मारपीट की गई और बताया जाता है कि शोर मचाने पर गोली मारने की भी धमकी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना छत्ता के 12 वाली गली बेलनगंज निवासी गुंजन गुप्ता अपने पुत्र उत्सव गुप्ता के साथ शुक्रवार की शाम लगभग 9:30 बजे इटौरा चौराहे पर अपनी किराना स्टोर दुकान को बंद करके अपने घर जा रहा था। गुंजन ने बताया है कि वह थोक व्यापारी है और दुकान बंद करके लगभग 60,000 रुपये की नकदी और जरूरी सामान लेकर अपने घर स्कूटी से जा रहा है। गुंजन गुप्ता ने बताया है कि जैसे ही वह नगला माकरोल पर पहुंचे तो वहां उन्हें 2 लोग खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने रोकने के लिए झपट्टा मारा, जिसके चलते गाड़ी असंतुलित हो गई और कीचड़ में ग्वालियर रोड के किनारे गिर गई। गुंजन गुप्ता ने बताया है कि दोनों ही बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और शोर मचाने पर गोली मारने की भी धमकी दी। साथ ही शोर मचाने पर बदमाश व्यापारी की स्कूटी, जिसमें नकदी रखी थी, और लेकर मौके से बाइक से फरार हो गए। दोनों ही अलग अलग भाग गए। व्यापारी ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी और मौके पर PRB 8 भी पहुंची। साथ ही थाना मलपरा प्रभारी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मुकदमालिक कार्रवाई की बात कही है। वहीं मौके पर पहुंचे ACP देवेश सिंह के साथ साथ DCP सोनम कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारी से पूछताछ की। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी की तहरीर पर और क्षेत्र के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्दी चोरों की पकड़ा जाएगा और चोरों की तलाश जारी है। तो जानिए क्या कुछ बोले DCP और जानिए क्या कुछ बोले पीड़ित व्यापारी गुंजन गुप्ता। क्या है आपका? मेरा गुंजन गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेलनगंज 12वीं गली। अच्छा, आ कहाँ से रहते हैं? दुकान से आता है, इटौरा दुकान है मेरी। काय की दुकान है? परचूनी की दुकान है। फिर कहाँ पहुँचे और क्या हुआ? मैं इटौरा से घर जा रहा था, घर जाते हुए नगरा मोगल पर लूटी मेरे संग, मारा पीटा मेरे को, और दो थे वो, एक मोटा सा है, गोल चेहरा है, चश्मा लगाए हुए है। अच्छा, उसने मेरे को मारा पीटा, एक ने गर्दन दबाई है, इसमें बंदूक निकाल दी कि चीखेगा चिल्लाएगा तुम तेरे को गोली मार देंगे। तो बंदूक थी उनपे? हाँ, बंदूक थी उनपे। बंदूक थी, तमंचा था? क्या था? बंदूक देगी उसने निकाली। तमंचा था कि बंदूक? अब ये नहीं मालूम क्या था, मेरा मुंह पकड़ लिया था एक ने मार दो थे। अच्छा, तो तमंचा को किसने निकाला? जिससे मोटा सा था, हल्का था, उसने जो मेरे को मार रहा था। क्या कहा उसने तुमसे? एक की उसने ये कहा था, चीखे मती और अगर चीखेगा तो बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे तेरे में। अच्छा, वो काय पे थी सवार? अब वो एक ये तो नहीं मालूम काय पे थे, एक रोड पे थे, दोनों ने बीच में मेरे को पकड़ लेके खींच लिया था। अच्छा, आप काय पे थे? मैं एक्टिवा पे था, एक्टिवा से मेरी एक्टिवा थी, उनने पानी में घिसटते हुए हम चले गए, एक ने गर्दन दबाई है और चेहरे पे भी चोट वोट है, उसने काफी मेरे को मारा है और एक्टिवा और मैं बंदूक निकाली थी, बाहू एक्टिवा लेके भाग गए। अच्छा, एक्टिवा ले गए फिर वो? एक्टिवा ले गए मेरी। अच्छा, और एक्टिवा में कुछ और भी था आपका? एक्टिवा में दुकान के पैसे से सेल थी बस। कितने रुपए होंगे? अब ये तो आइडिया नहीं है कितने, अंदाज से बताओ। अब ये तो नहीं देखे, अंदाज 2,50,000 कितने होंगे, अंदाज से बताओ। ये तो नहीं मालूम, अंदाज रुपए थे भी या नहीं थे? डिग्गी में क्या जगी थी? 60,000 कितने होंगे? अंदाज 50-60 तो होंगे। 60-70 बेटा है मेरा, ये साथ में था, साथ पीछे बैठा था, तो इसके साथ भी मारपीट की है। थाना मलपुरा क्षेत्र की क्या घटना है? देखिए, आज शाम को 9:20 के आसपास नगला मकरोल के पास एक परचून के व्यापारी के साथ 2 लोगों ने लूट की घटना कारित की है। इस संबंध में थाने में सूचना प्राप्त हुई, यहाँ पे पूछताछ कर ली गई, CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर इसका हम लोग खुलासा करेंगे और आगे की योग्य कार्रवाई की जाएगी। ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के नगला माकरोल पर आपको बता दें कि एक व्यापारी टोरा से दुकान को बंद कर अपने घर जा रहा था, इसी बीच 2 बाइक सवारों ने उसके साथ लूटपाट की है। बताया गया है स्कूटी लूट ली है और साथ ही साथ उनके साथ 50,000 से 60,000 रुपए भी लूट लिए। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में
चुट गई है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज।